भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। इसके पहले हमने देखा था रोजगार को लेकर वादे किए गए थे, और अब हमारे साथ अलका लांबा जी हैं, कांग्रेस की नेता हैं। यहाँ पर जो रोजगार को लेकर पहले वादे किए गए, अब महिलाओं को लेकर बड़ी फायरी सी स्पीच आपने भी दी वहाँ पर, क्या ये वादे हैं? 1 लाख सालाना का वादा, अगर आप वादे संक्षिप्त में बताओ। ये आप लोगों को खुशी होनी चाहिए, कम से कम ये जुमले नहीं हैं, है ना, ये कांग्रेस की गारंटी है। आपने देखा किसानों को लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून हम दिया जाएगा, सरकार आते ही हमारा वायदा है। युवाओं को सरकारी नौकरी, 30 लाख पद खाली हैं, उन्हें रोजगार दिया जाएगा। उनके सशक्तिकरण पर 5,000 करोड़ का फंड देने की बात राहुल गांधी जी ने की है। कल आदिवासियों को लेकर घोषणा हुई है, आज हमारी महिलाओं को लेकर नारी न्याय सम्मेलन जो हुआ महाराष्ट्र के धुले में, आपने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ऐलान किया और उसकी घोषणा यहाँ पर राहुल गांधी जी ने नारी न्याय महिला सम्मेलन में की। इसमें महालक्ष्मी की बात की गई है। महिलाएं आज गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, राहत चाहती हैं, कोई राहत नहीं पिछले 10 सालों में। हमारा महालक्ष्मी के तहत कहना है, हर गरीब महिला के बैंक खाते में सालाना 1 लाख रुपया हम देंगे ताकि वो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से लड़ पाए। हमने आधी आबादी को उसका पूरा हक देने की बात की है, आधी आबादी का पूरा हक, सरकारी पद फिर 30 लाख खाली है, जो भी सरकारी पद खाली है या उसकी भागीदारी के मुताबिक 50% पे उनका हक रहेगा, चाहे वो सरकारी नौकरियां हैं, चाहे संसद और चाहे विधानसभाओं की बात है। आधी आबादी के बाद शक्ति का सम्मान, क्या है शक्ति का सम्मान? आशा वर्कर, हमारी जितनी भी आंगनवाड़ी बहनें, हमारी मिड डे मील बनाने वाली बहनें हैं, उनके वेतन को जो केंद्र सरकार का हिस्सा है उसको हम दुगना करेंगे, सत्ता में आएंगे यानी कि उनकी आय दुगनी होने जा रही है। अधिकार मैत्री, अधिकार मैत्री कहता है कि हमारी जो पंचायत में महिलाएं बहनें हैं उनको हम जागरूक करने के लिए, उनके अधिकार कानून में क्या है उसे बताने के लिए एक एक कानूनी सलाह के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाएगा ताकि वो और अच्छे बेहतर ढंग से अपने कामों को पंचायतों में कर सकें। पांचवा है सावित्री बाई फूले हॉस्टल का निर्माण। बहुत सी वर्किंग वुमेन हैं, महिलाएं हैं, घर छोड़कर बाहर कामकाज पे जा रही हैं। हर देश के एक जिले में एक सावित्री बाई फूले हॉस्टल होगा जहाँ पर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए आगे बढ़कर कामकाज को जारी रख पाएंगी। ये हमारे 5 आज जो है हमने घोषणाएं की हैं। जो अभी कार्यक्रम में जो घोषणा हुई है, सारी घोषणाएं, उसके बाद हमने कुछ महिलाओं से बात की, खुश दिखाई दे रही थी महिलाएं, लेकिन आपको लगता है जब अभी लोकसभा का चुनाव होगा ये महिलाएं जो है इनका वोट भी तब्दील होगा, जो ये घोषणाएं हैं वो वोट में तब्दील होंगी? देखिए, वो उसकी ज़िंदगी में बदलाव 10 साल में तो आया नहीं है ना, 10 साल में। अब एक इस जो गारंटी की घोषणा है, मैं यहाँ खड़े होकर बात नहीं कर रही हूँ, मैं पिछले 60 दिन में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते 20 राज्य और 30 शहरों से गुजरी हूँ और हर जगह, कल ही औरंगाबाद में 500 महिलाओं का नारी न्याय सम्मेलन किया, 30 नारी न्याय सम्मेलनों में हजारों बहनों में ये उम्मीद थी कि हमें राहत चाहिए, हमें आर्थिक मदद चाहिए जिससे हम अपना सामाजिक, राजनीतिक और हर चीज़ से लड़ पाएंगे, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से, उसी के तहत ये घोषणा है। स्वाभाविक है, एक मरती उम्मीदों को जिंदा रखने का काम आज की इस नारी न्याय के तहत इन 5 घोषणाओं ने किया है। अब वोट की अगर बात करेंगे तो 5 राज्यों के, देश में अभी हाल ही में चुनाव हुए और उन 5 राज्यों के चुनावों में 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने कांग्रेस को चुना और 4 करोड़ 80 लाख लोगों ने भाजपा को, यानी कि 10 लाख अधिक लोगों ने कांग्रेस को चुना, कांग्रेस की नीति, कार्यक्रम और गारंटियों पर विश्वास कराया, जिसके तहत जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना लेकर आए थे वो तो सच हुआ नहीं, पर हमने उन्हें दक्षिण भारत मुक्त कर दिया है। आज कर्नाटका डबल इंजन की इनकी सरकार थी, आज TDP BRS के साथ जो भी इनका गठबंधन आंध्रा में चल रहा है, तेलंगाना में, हमने वहां पर भी इनको हराकर अपनी सरकारें बनाई हैं। सो हमारे पर लोगों का विश्वास और खासतौर से राहुल गांधी जी की निरंतर यात्राओं से, एक तरफ 10,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा है तो दूसरी तरफ 10 साल का तानाशाही, कुशासन और अन्याय के 10 साल, ये 10 साल मोदी की गारंटी कह रहे हैं। हाँ नहीं, मोदी की गारंटी तो राजस्थान जाए ना प्रधानमंत्री जी, क्या कहा था, गहलोत जी सरकार कांग्रेस 500 का सिलेंडर दे रही है, मोदी की गारंटी 450 के मिलेगा। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, मोदी की गारंटी नहीं है, सरकार है मोदी जी की गारंटी नहीं है। 8 मार्च को घोषणा कर दी 100 रुपया सिलेंडर सस्ता करते हैं, अरे एहसान नहीं किया, 900 का सिलेंडर 800 पर आया है, वायदा 450 का था वो पूरा करिए, नहीं करेंगे तो किस मुंह से मोदी की गारंटी की बात आज 2024 में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अलका लांबा, हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस की नेता यहाँ पर मौजूद थी और तमाम महिलाओं को लेकर जो घोषणाएं हुई हैं उसे लेकर उन्होंने बात की, क्या वो वादे हैं और क्या वो वादे
महिलाओं के लिए जब वे वोट करने जाएंगी, क्या वो वोटों में भी तब्दील होंगे, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कवरेज के दौरान मिलती रहेंगी। कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, धुले, महाराष्ट्र।